This news is co-sponsored by Healthy Muscle, 100% authentic supplement store, and Ashi, the fashion studio. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला रवाना होने से पहले मंडी के कांगनी धार में चल रहे शिवधाम के कार्य का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि मंडी में बन रहा शिवधाम पर्यटक की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और जिसका कार्य प्रगति पर चला हुआ है। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अगस्त तक विश्वधाम के फर्स्ट फेज का उद्घाटन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए कार्य कर रहे ठेकेदार और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शिवधाम के दूसरे फेज के लिए 2100 करोड़ रुपए एडीबी के माध्यम से स्वीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि छोटी काशी मंडी में शिवधाम बनने से पर्यटक को भी बढ़ावा मिलेगा। शिवधाम मंडी का हमारे लिए एक बहुत प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट है और आज मैं उसके निरीक्षण के लिए गया था साइट पर। कार्य प्रगति पर है, लेकिन उसके बावजूद हमारा लक्ष्य है कि हम अगस्त महीने के अंत तक इसका फर्स्ट फेज का इनॉग्रेशन करने की स्थिति में हो जाए। इसलिए मैंने अधिकारियों को भी कहा है और उसके साथ साथ में मैंने जो यहाँ काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर, उनसे भी इस बात के लिए आग्रह किया है कि थोड़ा तेज़ी ला जाए, क्योंकि बरसात का मौसम शुरू होने के बाद फिर काम में थोड़ा सा विलंब हो सकता है। इसलिए जितना जल्दी इसको पूरा किया जा सके उसको पूरा करना चाहिए, एक तो ये है। और दूसरा, सेकंड फेज़ का जो हमारा शिवधाम का एडीबी के लिए उसकी डीपीआर बन रही है, और मुझे इस बात की खुशी है कि हमको हिमाचल प्रदेश के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एडीबी के अंतर्गत 2100 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट्स स्वीकृत किया है, उसमें एक सेकंड फेज जो शिवधाम का जो आने वाला है वो उसके अंतर्गत आएगा। और उसकी डीपीआर जैसे बनती है, जैसे सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होती है, उसके बाद उसका टेंडर की प्रक्रिया करेंगे और उसके बाद काम शुरू करेंगे। और मंडी के लिए मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत प्रेस्टीजियस और हमारे लिए बहुत पर्यटन की दृष्टि से भी और धार्मिक आस्था की दृष्टि से, क्योंकि शिवधाम मंडी में बनना अपने आप एक ऐतिहासिक एक घटना है ये, क्योंकि छोटी काशी के रूप में मंडी को जाना जाता है, तो इसलिए इसका महत्व उस दृष्टि से बहुत ज्यादा है। के चैनल के लिए मंडी से शिवानी की रिपोर्ट।